काफी नंबर ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बाबू सर टॉप। बाबू सर टॉप पे यहाँ पे आवासी मजे की चल रही है। आगे हमारे आते साथ चाय नानी मेरी चाय मंगवा लेंगे, हमने कहा चाय शेयर पीते, फिर आगे हम जाएंगे थोड़ा एंजॉय करने। यहाँ का मौसम बड़ा मजे का, बहुत शानदार ठंड पड़ा हुआ है। दानी मेरी को जवानी चढ़ी हुई, दानी मेरी हाथ स्लिप करी है। मैं चल रहा है भाई आपको जवानी चढ़ी, हमें तो नहीं चढ़ी ना, हम तो खुद को पैक कर लो। मैं ठीक है वैसे मिट्टी आ गई आंधी आ गई साला अपने मेरा घर को लगता है। एक और वाटरफॉल पे यहाँ पे तुम देख सकते हैं, यहाँ पे रुकने के बाद हमने निकलना आगे बाबू सर टॉप तो बहुत पसंद है, बहुत प्यारा और बहुत प्यारा व्यू है। पानी के शॉट बहुत बेहतर हाजिर है, होप सो के ब्लॉग भी अच्छा बन रहा होगा और शॉट की वजह से मुझे लगता नहीं कि ब्लॉग अच्छा बन रहा है। गाड़ी के लिए अपनी कोशिश जी। तो व्यूअर्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी जलखट बेसर के पास और अभी हम लोगों ने वाटरफॉल एंजॉय किया है। इंशाल्लाह हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे एक और वाटरफॉल आएगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नदान। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कुछ दिन गट्टू वाले नदान का रान का बाबू सर का और इसके बाद हमने जाना है स्कर्दू। तो सुबह होगी मेरे अलहमदिल्ला बैठे हुए दानी भाई की होटल में, दानी भाई भी आ गए सुबह सुबह। हम ये तो काफ़ी लेट उठे और मैं उठ गया टाइम पर, दानी भाई बैठे बिजी थे अपने क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ। मैं चलो हम नाशिफर से कर लेते सुबह। अलहमदिल्ला दानी भाई ने हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया, बहुत मज़े का होटल और बहुत अच्छी हमारी यहाँ पर रिसेप्शन की, बहुत ही नए मेहमान नवाजी दी और बहुत हमारा अच्छा प्रोटोकॉल। वैसे होटल भी अच्छा बड़ा शानदार है और बहुत प्यारा, बहुत लग्जरी होटल है। वैसे ये सामने है 201 जो एग्जैक्टिव रूम है जहाँ पे मैंने स्टे किया था, रूम भी बहुत बेहतर। हाँ अच्छा, तो दानी भाई आ गए, दानी भाई से पूछते हैं। दानी भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? खैरियत से आए ना, बैठे ना। कैसे हैं आप, ठीक हैं? खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट को तैयार कर लिया है? कैसी गुजरी नाइट आपकी? रूम तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। होटल है, जबरदस्त माशाल्लाह। तो क्या हिसाब किताब यहाँ पे, हमें तो एक रुपये भी नहीं दिया क्या? बाकी क्लाइंट्स के लिए क्या होगा बताएं ना जरा। अच्छा अच्छा, तो बाकी क्लाइंट्स को अपडेट करें ना, क्या यहाँ पे क्या रेंट सेंट है? हम लोग निकलेंगे स्कर्दू की तरफ, ठीक है, और भैया बाबू सर टॉप हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा। आगे निकलेंगे लुलू सर मून बेसर पे और फिर बाबू सर टॉप आएगा, 0 पॉइंट क्रॉस करेंगे तो जब लोग जीरो प्लान इस्लामाबाद वाला है यहाँ वाला? नहीं नहीं, यहाँ पर भी हमारा चलास का 0 पॉइंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इंशाल्लाह फिर हम लोग निकलेंगे आगे जंक्शन ऑफ थ्री माउंटेन्स। अच्छा जबरदस्त, करेंगे और जंक्शन ऑफ स्कर्दू से हम लोग राइट टर्न ले लेंगे। एक रास्ता सीधा हुंजा जाता है, एक रास्ता स्कर्दू की तरफ टर्न करता है। हम लोगों ने स्कर्दू जाना है, इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे स्कर्दू। और हमारा क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो जस्ट जाके स्कर्दू में हमने नाइट स्टे करना है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डे में फिर आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट डे हमने क्या करना है। अच्छा दानी भाई, जो वैसे आपने जो मुझे रूम प्रोवाइड किया, रूम तो काफी लग्जरी था, मैं पहले रूम का तो वैसे मुझे ये रूम मिला हुआ था 201, बड़े मजे का रूम था। खैर अभी तो अंधेरा है, ये टूवर्ड्स वॉशरूम और ये बहुत मजे का रूम मुझे मिला हुआ था रात को। ये था ये दानी मैंने लाइट्स लगा दी, वैसे यहाँ पे मैं रात को अकेला था, साथ में साथ एक और मेरे मेंबर था और बाकी हमारी जो टीम थी वो दानी भाई के साथ ऊपर वाली थी। चलो दानी भाई इसके रेट्स लेते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, चल रहे हैं क्या हिसाब किताब है, आपको भी इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इन फ्यूचर अगर आपको भी स्कर्दू आने का या नदान आने का मूड है तो मैं दानी भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दानी भाई का अपना होटल है, मुझे तो अभी तक जितनी सर्विसेज मिली है ना, मैं कहता हूँ बहुत मज़े की, बहुत लीड क्लास, बहुत स्टैंडर्ड की मिली है। वैसे मैं आपको यू नो वेरी वेल कि मैं बाइक पर ट्रैवलिंग करता हूँ, तो बाइक पर जब भी मैंने ट्रैवलिंग किया तो मुझे होटलिंग से मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। पर आज दानी भाई का जो मेरा होटल है यहाँ से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रात को खाना भी हमने अलहमदिल्ला डिनर बहुत अच्छा किया, रात रूम भी बहुत अच्छा था, सुबह उठते साथ ही हमें बहुत अच्छा नाश्ता डिलीवर हुआ, नाश्ता किया, फ्रेश होकर तैयार होकर हम बाहर आके सामने फैमिली खड़ी हुई जिनको भी हमने लेके जाना है और दानी भाई भी आके गाड़ी भी हमारी स्टार्ट है। तो दानी भाई क्या सीन करना, निकले बाइक की तरफ? चले अभी चलते हैं बाइक की तरफ। ओके भाई अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। चले अब चलते हैं बाइक की तरफ, हमारी गाड़ी तो ये छोटा सा इनका रूम है बाहर, गाड़ी की दानी भाई हमारी। अच्छा अच्छा, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, दानी भाई क्लाइंट्स को लेने जा रहे हैं। दानी भाई कहते हैं इसके बाद हमने जाने स्कर्दू की तरफ, स्कर्दू पे कुछ पॉइंट्स है वो अचीव करने, उस पॉइंट्स को मिलने के बाद फिर हमने पॉइंट्स देखने, 3 से 4 दिन स्कर्दू का स्टे है, उसके बाद होप्स हो कि हमने फिर कश्मीर भी जाना है। तो कश्मीर वाला ट्रिप तो मेरा पोस्टपोन्ड हो जाएगा, रीजन बिहाइंड दिस के मुझे वापस जाना है पिंडी, यहाँ वेरी वेल के दुकान से निकलना बहुत मुश्किल तरीन काम है। अभी चलते हैं सिर्फ अंदर जो गाड़ी की तरफ चलते हैं, साथ बैठा हुआ गाड़ी स्टार्ट करके एक बहुत मज़े का बहुत शानदार सा व्यू नदान कर। सुबह उठने से ज़्यादा मैं बाहर आ गया था व्यू शू देखने के लिए, परदानी भी और सारे सो रहे थे, मैं कहा चलो कोई नहीं, खैर हम तो जाते हैं अपना व्यू देखते, थोड़ा सा माहौल शोल देखते हैं। ये है हमारा होटल सारा, अभी यहाँ से निकलते हैं ऊपर की तरफ, जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं और अपना अगले का सफर शुरू करते हैं। अब आए ना लाइन पे,
तो गाइस अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं नरान हमने क्रॉस कर लिया और इन दिस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि राफ्टिंग हो रही है, बट अभी हम लोगों ने राफ्टिंग करनी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी स्कर्दू जा रहे हैं। स्कर्दू का सफ़र बहुत लंबा है तो इस वजह से हम लोग अभी राफ्ट पे नहीं बैठेंगे, राफ्टिंग नहीं करेंगे। काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं इस वजह से हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं। इंशाल्लाह वापसी भी आएंगे तो हम लोग राफ्टिंग करेंगे, तब फिर राफ्टिंग करते हुए हम आपको नई वीडियो जो है वो दिखाएंगे ज़रूर कि राफ्ट करते हुए आपको किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है और किन बातों का आपने ख्याल रखना है। सो गाइस अभी ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी आगे हमारे जा रही है जिसका मेन पॉइंट है राफ्टिंग का, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि राफ्ट पड़ी हुई हैं और एक गाड़ी जो है वो राफ्ट लेकर आगे जा रही है। ये वो राफ्ट होती हैं जो यहाँ से जो राफ्ट जाती है नीचे, और क्योंकि नीचे तो पानी का बहाव होता है इसलिए नीचे राफ्ट तो चली जाती है लेकिन वापसी में ये लोग यहाँ से लेकर आते हैं। सो गाइस अरे कहना क्या चाहते हो, यार वैसे मानना पड़ेगा अल्लाह सोने ने नरान तगान को जन्नत का एक टुकड़ा बनाया है। काफी सफर करने के बाद हम पहुंच गए एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल पे जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा शोर, बहुत खूबसूरत नज़ारा और बहुत ठंडा ठार मौसम, यानी कि सखत ठंडी हवाएं चल रही है। जी तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी जलखट बेसर के पास और अभी हम लोगों ने वाटरफॉल एंजॉय किया है। इंशाल्लाह हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे एक और वाटरफॉल आएगी और लोलसर लेक भी आएगी जो कि रास्ते में हम लोग आपको दिखाते चलेंगे। और इन दिस टाइम ये नज़ारा देखने को माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। खुदा की कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत है कि माशाल्लाह आसमान पे जो बादल हैं वो तो इस नज़ारे को चार चांद लगा रहे हैं। तो सो गाइस आप भी देखें, कुछ कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि होटल्स वगैरह और कुछ गेस्ट हाउस वगैरह बनना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको ग्लेशियर भी दिखाता चलूँ क्योंकि ग्लेशियर के ऊपर काफ़ी मिट्टी है, इस वजह से मे भी शायद आपको सही क्लियर नज़र ना आए। ये हमारे साथ जो है नज़ीर भाई माशाल्लाह ड्राइव कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, और लेकिन इन दिस टाइम ये ऐसे लग रहे हैं नशे में हैं लेकिन ये नशे में बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। उनकी नींद माशाल्लाह बिल्कुल पूरी है और बिल्कुल बेहतरीन है, वो वैसे ही ऐसे ही जो है ना वो नशे में आपको लग रहे हैं। तो सो गाइस इंशाल्लाह हम लोग आके पहुँचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पहुँच के इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो और झरना भी आपको दिखाता चलो। इस साइड पर जो है पानी आज कल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्लियर है, कुछ दिन पहले यहाँ का पानी जो था वो मड टाइप था क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे थे। अभी ग्लेशियर अराउंड बहुत सारे पिघल चुके हैं और एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि आप यकीन करें कि जो आसमान पे बादल है ना ये व्यू को चार चांद लगा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बाबू सर टॉप। बाबू सर टॉप पे यहां पे आवासीय मजे की चली आ गई हमारे साथ चाय नानी भाई चाय मंगवा लेंगे, मेरे चाय शेयर पीते फिर आगे हम जाएंगे थोड़ा एंजॉय करने। यहाँ का मौसम बड़ा मजे का, बहुत शानदार ठंड पड़ा हुआ है। दानी भाई को जवानी चढ़ी हुई, दानी भाई हाथ स्लीप करनी है, मैं चले भाई आपको जवानी चढ़ी, हमें तो नहीं चढ़ी ना, हम तो खुद को पैक कर ले। मैं ठीक है वैसे अब मिट्टी आ गई आंधी आ गई सारा अपने बेड़ा घर को, कोई थोड़ी सी चाय शेयर पीते, चाय शेयर पीने के बाद हम आगे जाएंगे। नमाज का टाइम हो रहा है, वैसे आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज पढ़नी पड़नी है, कोई नमाज में कम्प्रोमाइज नहीं। यू नाउ वेरी वेल दानी भाई को जानी, दानी भाई आपको जवानी चढ़ी हुई है तो हाफ स्लीप पहन के आ गई अच्छा। तो बाकी दानी भाई भी बिजी हो गए हमारे अपने ट्रिप के साथ, जो हमारे ट्रिप पे दानी भाई सब बिजी, मैं कह चाय शाय हमारी आ गई है, चाय शाय पीते हो, चाय में वो मेरे मोबाइल पे सारी चाय की शिट याद, मेरी सारी चाय जाया होगी जी, ओ चाय का मेरे काम खराब हो गया। चाय शाय पीते, चाय शाय पीने के बाद हम बाबू सर आगे जाएंगे, देखते हैं क्या सीन है क्या शुगल है। वैसे मेरे बाबू सर का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बाकी आप ट्रेवलिंग तो बड़ी की है, आप बाबू सर की तरफ से गैदरिंग करते हैं और साथ थोड़ा सा आगे पीछे आउटिंग शॉटिंग करके जाके नमाज नमाज पढ़ेंगे, अपने नमाज के बाद
देखते हैं कि आगे क्या व्यू है और इसके बाद हम ये निकलना सीखा दो। ऐसा मिट्टी देख सकते हैं कि अच्छी बड़ी मिट्टी आ गई है, पर कोई नहीं, खैर अब चाय पीने से पहले कि चाय का जायका खत्म हो जाए और मिट्टी का जायका आ जाए, उससे पहले पहले अपनी चाय को मुकाते हैं और आगे चलते हैं। अब आए ना लाइन पे जी। तो गाइस अभी हम लोग बाबूसर टॉप क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं, हम लोगों ने बाबूसर टॉप एंजॉय किया है और अब हमारा सफर स्टार्ट हो गया है स्कर्दू की तरफ। आपको जैसे कि दिखाया था कि हम लोग अभी बाबूसर टॉप देख सकते हैं, बाबूसर टॉप के जहाँ पर जितने भी हैं, और यहाँ पर हमें कॉफ़ी भी पीने को मिली जो कि बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर मौसम भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिला क्योंकि बाबूसर टॉप पे आपको पता है हमेशा की तरह साल के 12 महीने में ठंड ही मिलती है, तो हवा भी आपको ये झंडे लहराते हुए नज़र आ जाएंगे कि हवा कितनी तेज़ है, और ग्लेशियर भी बिल्कुल सामने है और सामने आपको उड़ते हुए बंदे जो के नज़र आएंगे, यह देख सकते हैं। सो गाइस तो हम लोग अभी आगे निकलेंगे, आगे का सफ़र जो होगा वो भी आपको ज़रूर दिखाता हूँ और दिखाऊँगा। और हम लोगों ने अभी बाबूसर टॉप क्रॉस किया और आगे का जो रास्ता है वो टोटली ज़िगज़ैग है, तो यहाँ से अब कुछ कुछ रास्ता मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा दूँ, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, थोड़ा सा ज़िगज़ैग तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन रास्ते पे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, थोड़ा सी गाड़ी आगे निकलती है तो आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। नहीं, मैंने कोशिश तो बहुत की आपको रास्ता दिखा दूं, लेकिन कुछ सही व्यू नज़र नहीं आ रहा। सो गाइस चलते हैं आगे, रास्ते में हमें कुछ ये बर्फ़ मिलती है और ग्लेशियर भी मिलता है, क्योंकि ग्लेशियर अब पिघल चुके हैं, मैक्सिमम ग्लेशियर पिघल चुके हैं, लेकिन फिर भी इन ग्लेशियर तो कुछ लोग ग्लेशियर से जो है ना आप देख सकते हैं बर्फ़ तोड़ रहे हैं, ये लोग इसको यूज़ करते हैं गर्मी है ना, और इसको लेके जाते हैं, इसको ये अपने यूज़ में लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नो जो है वो कब कर रहे हैं, इनका कार्रवाई थोड़ी सी अच्छा जी। तो ये आप लोग देखें जी, यहाँ पे ग्लेशियर को तोड़कर बर्फ़ सेव कर रहे हैं इन गाड़ियों में, इन गाड़ियों में ये लेके जाते हैं, जैसे वो आप देख सकते हैं वो गाड़ी जो इन्होंने ट्रैक्टर पे लोड की हुई है, ये लोग लेके जाएंगे अभी चलास वाली साइड पे, चलास वाली साइड पे इसको यूज़ में लेकर आएंगे। सो गाइस आप देखें, इंजॉय करें। वाह क्या सीन है, बाबूसर टॉप की पूरी रात से लंबी उतराई करने के बाद आपने कहा हम पहुँच गए एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे हमारे खाने पीने का सीन बन रहा है, वैसे बहुत बेतहाजर है चर्चा की, क्यों मैंने अपना बेड़े ही गाल को गया, कोई नहीं, खैर आप पहुँच तो गए अपने को मजीब में भूख खाने पीने का सीन बन रहा है, छोटा सा यहाँ पे एक झरना बना हुआ है, यानी कि पानी का सीन है, थोड़ा सा ऊपर पहाड़ी है, ऊपर बाबूसर टॉप से उतरते उतरते हमारे आधी दिन आधी जिंदगी गुजर गई, अभी हम कुछ खाने पीने का सीन करते हमें कुछ लगी भूख चर्चा के बाद आगे चले देते नहीं, पर जितना उतराई में उतरे ना हमारी आधी से गिरनी खत्म हो गया, चलते अंदर सामने दानी भाई बुला रहे कि भाई आओ खाने शाने का सीन है, खाने शाने करते देखते कि बाकी टीम भी लगी है और बाकी टीम तो हमारी अगर लेडी सारी बैठ गई हुई है, नज़ीर भी मेरी भी रहेगी, कहते भाई तू आएगा तो मैं अंदर जाऊँगा, तो तुम लगता है मेरी तो ये भी शर्मा है उसको ज़्यादा, चलो अंदर चलते कुछ खाने पीने का इंतजाम करते, थक तो बहुत किया बहुत लंबी ज़्यादा उतराई थी, अभी चलते अंदर फिर उसके बाद अगला प्लान है हमारे चला सकते होटल में अंदर आ गए, पर हमें समझ नहीं आई पिछले आधे घंटे से खाने का बोला हुआ साहब ज़्यादा खाना बनाया जा रहा है, ऐसे क्या बोल दिया इतना लंबा सीने धनी भाई, आपने ऐसे क्या बोल दिया जो पिछले आधे घंटे से तैयार नहीं हो रहा, उस्ताद की आंखें देखें ना गुस्से से कैसी हो रही है
अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। फिर तो नजीर भी अगले 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। नहीं भाई इंशाल्लाह आधे घंटे में मटन आ जाएगा। आधे घंटे पहले अभी फिर आधे घंटा जो खत्म नहीं होता। सही बोल रहे हमारे भी पाकिस्तानियों का आधा घंटा ठीक है। ऑपोजिट पार्टी दली भी हमें ना बोले वो सामने मटन का नदी भी कहते हैं मटन चढ़ो खा ले। 9 मिनट बाकी है इसके बाद आधा घंटा है। नहीं इसके बाद आधा घंटा है। चलो आधे घंटे और भी वेट कर देते। वैसे उस्ताद को बता रहे 21 मिनट हो गए 9 मिनट रह गए। उस्ताद उस टाइम देख लेते हैं टाइम वॉच में गया वो देख लें और थोड़ा और वेट करते हैं देखते हैं कितनी देर में आता है। फिर उसका अगला कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। आपको भी दिखाएंगे कि आज क्या है धनी मेरी मंगवाया क्या। A few minutes later. सबर का फल मीठा हो जाओ। वाकई सबर का फल मीठा। हमारा आ गया मटन और ये दानी भाई ने स्पेशल कढ़ाई बनाई और उस्ताद को कुछ और पसंद आ गया भी। उस्ताद ने थोड़ी सी हाँ जी।